केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने प्रेस वार्ता की, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश भर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत क्षेत्रीय विधायक, सांसद, मंत्री गांव गांव घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और आमजन को केंद्र सरकार के 9 सालों के विकास कार्यों और जनहितैषी योजनाओं को लेकर सतत जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने बुधवार को पोहरी रेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता का आयोजन किया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष आशुतोष जैमिनी, उपाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, मुरारी लाल धाकड़। इस दौरान राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने कहा कि केंद्र सरकार वर्षों से चला आ रहे हैं भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने में सरकार का अहम योगदान रहा। धारा 370 हटाने का अभूतपूर्व कार्य भाजपा सरकार ने किया, 3 तलाक के मुद्दों को लेकर कानून बनाया, गरीब बहनों को भोजन पकाने के लिए निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस वितरित किए गए, किसानों के आत्मसम्मान को बढ़ाने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात दी, जल जीवन मिशन के तहत गाँव गाँव घर घर नल लगाकर पेयजल समस्या का निदान किया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ योजना, सबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, कृषक ब्याज माफ़ी योजना, किसानों को पर्याप्त खाद बीज की उपलब्धता कराना, युवा बेरोजगारों के लिए सीखो कमाओ योजना सहित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पोरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो 9 साल में हमने देश के लिए क्या दिया वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 9 साल हमने देश को कितनी ऊंचाइयों पर पहुँचा और देश को क्या कह दिया। सबसे प्रथम काम तो सपने में कोई नहीं सोच पा रहा था और ना किसी ने सोचा था, क्योंकि हमेशा ये कहते थे कांग्रेस एक लांछन हम पर लगाते थे, कसम राम की खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये तारीख नहीं बताएं। इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया, तारीख भी बताई, मंदिर भी बन गया और कुछ दिन बाद अपन सब संग चलेंगे और दर्शन जाकर करेंगे। तो ये विशाल काम किया प्रधानमंत्री जी ने, कि सपने में नहीं सोचा था कि मंदिर बनेगा, लेकिन उन्होंने बना के। दूसरा, 3 तलाक की ये चलता था, 3 तलाक को हटा नहीं पाएगा देश में उदम होगा, लेकिन 3 तलाक को हटाया, किसी को पता नहीं पड़वा, ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री जी ने किया। तीसरा काम मैं आपको बता दूं कि कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी नहीं सोच पाया था, जो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने किया था कि धारा 370 हटेगी, कोई जानता नहीं था, वो हटेगी तो देश में गदर हो जाएगा, देश में हुदम हो जाएगा, लेकिन धारा 370 को भी यदि किसी ने हटाया, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। ऐसे विकास की गाथा लिखने वाले महापुरुष और देश को ऊंचाइयों तक छूने वाला हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी। पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री कई देशों की यात्रा पर जाते थे, इसलिए पता ही नहीं लगता था कि भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को देखो, जिस देश में जाता है कितना उसको मान और सम्मान मिलता है, कि दूसरे देश के राष्ट्रपति तक उठ के उनका सम्मान करते हैं, ये हमारी पहचान हमारे देश के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई है। प्रदेश की बात हो, प्रदेश में इतनी योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने हमको लेके आए हैं कि मैं आज 24 घंटे तक भी आपको गिनाता रहूं तो योजना को गिना नहीं पाऊंगा। जैसे लाडली बेटी योजना चलाया, लाडली बेटी योजना चलाया, इसके बाद लाडली बहन योजना में एक भी बहन को नहीं छोड़ा, हर बहन को हर महीने 1,000 रुपये हम देंगे। और उसमें लांछन लगाया तत्काल कांग्रेस ने कि उन्होंने ट्रैक्टर वाली छोड़ दी। मैं आपको कह रहा हूँ ट्रैक्टर वाली बहनों को भी हम देंगे, उनके भरा हम भर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा वो 23 साल की बहनों को देंगे, हम 23 की नहीं, हम 21 साल की बहन को